दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की और 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिल। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चशु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। कलावर की ये पुस्तक है, सामान्य ज्ञान हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, कलावर, जितना भी सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। इस पुस्तक में 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 600 पेपर भी इस पुस्तक मिल जाएंगे 2017 से लेकर के 2022। सभी कापी किताबों की दुकानों में चशु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एक बात और, बीएड एंट्रेंस की स्टडी गाइड भी आती है जिसे आप लोग अभी देख रहे थे, और बीएड एंट्रेंस की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में आज वन रक्षक भर्ती में कट ऑफ को गिराने के लिए और मुख्य परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका देने के लिए आज विद्यार्थी पिकअप भवन गए थे और सचिव जी से आज वार्ता भी हुई, लेकिन सचिव जी ने कट ऑफ को गिराने को लेकर के या जो विद्यार्थियों को पास किया गया है उस लिस्ट में कोई परिवर्तन करने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है और स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। ये कहा कि जो सूची जारी हुई है वो वही रहेगी। इन विद्यार्थियों ने बहुत सारे तर्क भी दिए। इन विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर जानकारी ये मिली है कि इसमें जो स्पेशल योग्यता मांगी गई थी उसके अलावा भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन कर दिया है, इसलिए या तो आप परीक्षा के पहले पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, अगर ये ना हो सके तो जो विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं लगभग 19,000 उन विद्यार्थियों के आप डॉक्यूमेंट चेक करें। और दूसरी बात यह भी है कि यूपी ट्रिपल इतनी जल्दी किसी बात को मानता भी नहीं है, हालांकि ये बात सही है कि मुख्य परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ये भी देखता है कि डिमांड कितने लोग कर रहे हैं। 10-12-15 विद्यार्थी जाएंगे और उन 10-12-15 विद्यार्थियों के लिए कोई चीज परिवर्तित कैसे हो सकती है, 19,000 छात्रों की लिस्ट किस तरीके से बदली जा सकती है। हाँ, अगर विद्यार्थी की संख्या ज्यादा होती और तब ये समझ में भी आता था कि ये जो मांग विद्यार्थियों की वो जाया इसका कोई प्रभाव ही पड़ता। वहीं पर आज विद्यार्थियों ने छात्राओं ने मुख्य सेविका भर्ती के लिए आज एक ट्विटर अभियान भी किया था जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मैंने भी इन छात्राओं के समर्थन में ये ट्वीट किया था, रिलीज यूपी मुख्य सेविका एग्जाम डेट। और आज के समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि मुख्य सेविका भर्ती नियमावली में उलझ गया। इसी क्रम में बहुत सारे छात्रों ने आज ट्वीट किए। बात करते हैं 6800 शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट की, तो विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आज जो ऑर्डर आना था उस ऑर्डर का क्या। तो मेरी अभी बातचीत हुई है लखनऊ में दो छात्र वहीं पर कि ऑर्डर लगभग 4 बजे के आसपास आएगा, अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा और ऑर्डर विस्तृत होगा, लंबा होगा, स्पष्ट होगा। देखते हैं कि 6800 की जो सूची जारी हुई थी वो रहती है या नहीं रहती है, या ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, याची लाभ मिलता, सारी की सारी चीजें आज स्पष्ट हो जाए। और हाँ, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम की जो डेट वायरल हो रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है। 21 और 22 अप्रैल को वीडियो का एग्जाम नहीं हो रहा। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।